सुनो, आज ना मैं तुम लोगों को कुछ दिखाऊंगा, ओके? तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा बहुत। मैंने इसे क्रिएट करने का कोशिश किया है थोड़ा बहुत, ठीक है? इधर उधर से क्लिप्स काट के ज्वाइन करके, ठीक है, थ्रेडिंग करके, बस अपना काम का चीज होना चाहिए, अपने को फील आना चाहिए फिजिक्स में, फॉर बेटर फील, फॉर बेटर लाइव व्यू। मैं तुम लोग के लिए बहुत सारे क्लिपिंग्स निकाला हूँ जो तुम्हें एकदम परफेक्ट फील दिलाएगा वेव ऑप्टिक्स का। ऐसे तो मैं जैसे तुम लोग को बताता हूँ तुम्हें समझ आता है एकदम फील के साथ, 100% मैथमेटिक्स के साथ। आज वाला जो एड ऑन हो गया ना अपने फिजिक्स क्लास में, तो ये तो पूरा एकदम माइंड ब्लोइंग, ठीक है? इसके बाद अब कुछ कहना ही नहीं है। सो ज्यादा नहीं बोल के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है डिफ्रैक्शन, ठीक है? साक्षी, गुड इवनिंग। डिफ्रैक्शन आज का पहला टॉपिक। अगर सब कोई अपने पास एक मोबाइल रख लो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना कैसे भी करो। मैं तुम लोगों के ग्रुप में अभी आज को बहुत सारे छोटे 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 वीडियोस भेजता रहूंगा, उनके लिंक्स आप उनको देखो, देखने से आपको क्लैरिटी आएगी। डिफ्रैक्शन पहले मैं समझाता हूँ, एक्चुअली डिफ्रैक्शन का होता क्या है। ये साउंड वेव्स में अपना कॉमन बात है, अपना जो साउंड वेव जो है, जो बोला था कि जब भी कभी सोर्स बोलू, सोर्स एक पार्टिकल ले लो तो लाइट पढ़ो तो उसे लाइट वेव समझो, और साउंड पढ़ो तो उसे साउंड वेव समझो, है कि नहीं? बीट फ्रीक्वेंसी वगैरह जो सब सब बोले थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, डिफ्रैक्शन जो है ना वो अच्छा, एक मिनट एक मिनट, YDC पढ़ा हुआ है? YDC में हम लोग स्लिट लेते हैं, सोर्स पार्टिकल मानते हैं S1 S2, वो दोनों सोर्सेस कैसे सोर्सेस है? कॉन्करेंट सोर्सेस है ना, कॉन्करेंट सोर्सेस होते हैं ना, और साथ ही साथ उसको तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, वो कैसे सोर्सेस होते हैं वो लोग, सॉरी आई एम सो सॉरी मैं क्या बोला, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, सॉरी कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं ना, जिनका क्या सेम होता है, फेज या ओमेगा, जिनका ओमेगा सेम होता है कि नहीं? ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो डिफ्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप दो दो सोर्स पार्टिकल लेते हैं। अरे बताया था ना, एक सोर्स पार्टिकल बहुत दूरी पे होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसमें अब यंग्स ने क्या किया था, एक ऐसा कार्डबोर्ड रख दिया था जो एक वेव फ्रंट को काट दिया और उसका दो पार्टिकल दोनों जगह पे ले लिया सेम वेव फ्रंट के ऊपर, गुड इवनिंग, है कि नहीं? वो दोनों पार्टिकल तो क्या थे, दोनों सेम फेज में थे, है कि नहीं? अब वो दोनों पार्टिकल एक्ट करने लगे एज अ इंडिपेंडेंट सोर्सेस की तरह, फिर वो दोनों वेव फ्रंट छोड़ने लगे जहां से हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम मिला, और वो जो सेंट्रल मैक्सिमम बीच में मिलता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं ना, उसके बाद ऊपर है फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मैक्सिमम बनने लगता है। ये सारी कहानी तुम्हें बता चुका हूँ। बेसिक डिफरेंस मैं एक बार में बताऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा कम दिखाऊंगा ज्यादा, ठीक है? उसे मजा आएगा। तो बेसिक डिफरेंस आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इंटरफेरेंस, बेसिकली इंटरफेरेंस, ये शब्द सुनते साथ आपके दिमाग में आएगा, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो ब्राइट वाला, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो डार्क वाला फ्रिंज, है कि नहीं? ओके, लेकिन मैं चाहता हूं आपके दिमाग में एक और चीज बैठे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक बेसिक डिफरेंस। इंटरफेरेंस में दो पार्टिकल, इंटरफेरेंस में कितने पार्टिकल, दो पार्टिकल लेते हैं, कभी कभी सिंगल स्लिट भी YDC करते हैं, एक पार्टिकल दो पार्टिकल। डिफ्रैक्शन मतलब कई पार्टिकल, सोच वही वेव फ्रंट, वही अपना यंग, वही एक वेव फ्रंट को काटा तो वो दो तीन पार्ट, दो पार्टिकल्स लिया था ना सेम फेज में। अच्छा सोच, सेम फेज पे, सुने बढ़िया से, सेम फेज पे अगर मैं 4 5 6 7 इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखूं तो क्या होगा, तो जो होगा डिफ्रैक्शन होगा। एक बार में समझ आया, जो होगा क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। बोलो क्लियर? अरे 100% ना। अच्छा ये होगा कैसे सर, मतलब कॉमन सेंस लगाए तो सर, वो जो एक स्फेरिकल था ना, आप उसे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर एक स्ट्रेट लाइन काटता है तो साला दो ही पॉइंट आता है, तो आप एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को सेम फेज में काट के 4 5 पार्टिकल रखेंगे कैसे? अरे दो ही पॉइंट आएगा ना, उसी में तो S1 S2 मारोगे ना, साला सारा कहानी तो इसी के ऊपर बेस्ड है कि नहीं? तुम एक सेम फेज वाला वेव फ्रंट को काट के तुम 5 6 10 5 20 पार्टिकल लाओ कहां से? पांडे बोला हां सर ये तो सही बात है। तो फिर मैंने पांडे को बोला, पांडे चिंता मत कर, ऐसा क्यों सोचता है कि हर बार हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट काटेंगे, अबे प्लेनर वेव फ्रंट काट लो। ये कैसे काटते हैं प्लेनर वेव फ्रंट? अरे प्लेनर वेव फ्रंट काट सकते हैं ना, पहले बता प्लेनर वेव फ्रंट बनता कैसे है।
सर प्लेनर वेवफ्रंट तो तब बनता है जब सारा सोर्स पार्टिकल इंफिनिटी पे रहता है, सोर्स पार्टिकल इंफिनिटी पे रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक प्लेनर प्लेन ऐसे वेवफ्रंट रखेंगे जो सारे उस एक प्लेन सरफेस के ऊपर जितने सारे पार्टिकल थे सबके सेम फेज में होंगे, बोलो यस और नो। अरे होंगे ना, तो हाँ प्लेनर वेवफ्रंट को काट सकते हैं। अबे ये कैसे काटेंगे, देख देख एक लिंक भेज रहा हूं प्लेनर वेवफ्रंट को कैसे काटते, दिखा क्या कैसे काटा, दिखा ना कैसे काटा, तुझे नहीं लगा कि एक ऐसा ऑब्स्टेकल एक्चुअली काटा कैसे, ये ऑब्स्टेकल रखा था। हर बार हम लोग क्या करते हैं, छेद बनाते ऐसा रहता है और बीच से हम लोग का वेव पार हो जाता है, लेकिन इस बार क्या किया उसने, एक ऑब्स्टेकल रख दिया। अब ये ऑब्स्टेकल देख उसमें, देख वीडियो में फिर से देख ले एक बार, देखियो ऑब्स्टेकल के ऊपर से प्लेनर वेव फ्रंट जा रहे हैं, देख समझ में आ रहा है, जो जा रहे वो प्लेनर वेव फ्रंट है, वो कॉर्नर से कट गए ना, अरे वो कॉर्नर से कट गए, देखिए ऐसे ऐसे करके प्लेनर वेव फ्रंट जाएंगे ऐसे ऐसे, ये कॉर्नर से जब कट गए ना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा ऐसे 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 कटा, देख शायद ऐसे कटा क्या, वो कुछ इस तरह से कटा, तुम्हें काटना तो समझ में आ गया, तुझे फील आया होगा वो जो कॉर्नर पे ना बेंड मार रहा है, वो कॉर्नर पे बेंड मार रहा है, उस तरह से काटते हैं, समझ आया क्या। अभी एक और वीडियो देख, तुझे ये समझ आएगा कि ये कॉर्नर से ऐसा बेंड क्यों काट रहा है, देख दिखा, दिखे तो थम्स अप करना थोड़ा प्लीज, दिखे तो थम्स अप करना, देख बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ, दिखे तो थम्स अप कर देना, दिखा वो कैसे होता है, अभी जो वीडियो दिखाया ना वो पार्टिकल लेवल पे हो रहा है, एकदम सब एटॉमिक लेवल पे ऐसे डिफ्रैक्शन होता है, बोलो क्लियर। एक्चुअली वो कैसे हो रहा है, अब देख कहानी सुन हुआ क्या, ऐसे ऐसे प्लेनर रेफरेंस आ रहे, बोलो क्लियर, ये सारा प्लेनर रेफरेंस आ रहे थे ऐसे ऐसे, अच्छा तो यहां पे ये जो गैप है, ये जो एयर गैप है, यहां पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे ही बैठे, सुनना बढ़िया से, ये जो पार्टिकल्स थे ना इनके पास अभी एनर्जी नहीं पहुंचा है, अभी आ ही रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है, तो जैसे ये वेव फ्रंट यहां पे अभी टकराता है ना, तो इधर देख यहां पे कॉर्नर में एक पार्टिकल रहता है, ये कॉर्नर में एक पार्टिकल रहता है, अब ये वाला पार्टिकल इसका इन सारे वेव फ्रंट का सोर्स कहां है, इंफिनिटी पे, अबे इसका सोर्स इंफिनिटी पे है तभी ना ये प्लेनर बना रहा है, ट्रर, ट्रर, करके आपके सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे स्फेरिकल बनाएगा, ये अपना स्फेरिकल बनाएगा, ये अपने बनाएंगे, है कि नहीं, ये अपने बनाएंगे, बेंड काय को, वो बेंड काय हुआ समझ में आया क्या, उसके लिए एक और वीडियो देख, वो बेंड समझ में आएगा। अब देखिए फोटो भेजा, अब उस फोटो पे ध्यान दे, उस फोटो पे ध्यान दे, ग्रुप में एक फोटो भी भेजा, उस फोटो पे भी ध्यान दे, उसमें भी ध्यान दे, ये फोटो तुम लोगों को यहां पे क्या दिखा रहा है मेरे पास ये फोटो दिख रहा है क्या तुम लोगों के पास, ये फोटो पे भी ध्यान दे, तू ध्यान से देख, तो ये फोटो का ना यहां पे ज्यादा गैप है और एक फोटो शो कर रहा है जहां पे कम गैप है, सिंपल से समझे तो ज्यादा गैप का मतलब क्या है, अरे भाई प्लेनर वेव फ्रंट आ रहे हैं ऐसे प्लेनर आ रहा था, सोच तो यहाँ पे अपना एक दो तीन चार पांच, पांच पार्टिकल है, सुने बढ़िया से, ये पांच पार्टिकल अपना, जैसे अपना ये प्लेनर आ रहा है तो ये एंड से ऐसे कट जाता है ना, ये एंड से ऐसे कट जाता है, तो वो जो एंड वाला पार्टिकल है ना वो पॉइंट सोर्स के हिसाब से काम करता है, कैसे काम करता है, पॉइंट सोर्स के हिसाब से, तो यहां पे ये बेंड आता है और ये आखिरी वाला पार्टिकल भी पॉइंट सोर्स के हिसाब से काम करता है, तो स्फेरिकल आ जाता है, लेकिन बीच वाला मान ली इतना बड़ा जो पैनल है, ये बीच वाला इतना बड़ा जो पैनल है, इसे बड़ा पैनल समझो, बहुत बड़ा पैनल समझो, ये बीच वाला पैनल तो वो पूरा एक प्लेनर का काम करेगा ना, तो तुम्हें पहले फील आ रहा होगा कि सर ऐसा थोड़ी होगा, ये ऐसा प्लेनर आ रहा था, इतना प्लेनर यहां धक्का खा जाएगा और बाकी प्लेनर निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये प्लेनर तो यहां से निकल ही जाएगा, ये प्लेनर तो यहां पे निकल ही जाएगा, लेकिन ये जो एंड वाले पार्टिकल्स है ना इनको पॉइंट सोर्स के हिसाब से ऐसे स्फेरिकल बना के निकलेगा,
अब तेरे को समझ आया जैसे कट क्यों रहा था पहला वाला वीडियो, बोल ऐसे ऑब्स्टेकल था ना। अब देख वो पहला वाला वीडियो ऑब्स्टेकल था, तो ये ऑब्स्टेकल में यहां पे इस कोने में और इस कोने में एक था ना, तो वो जो ऐसे स्फेरिकल बनाया यहां पे, ऐसे ऐसे करके स्फेरिकल बनाया, बोलो क्लियर। इसलिए वो ऐसे कट के निकला ऐसे, ये ऊपर से जो गया वो तो प्लेनर गया, लेकिन एक पार्ट उसका स्फेरिकल गया, बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है। इस तरह की चीजों को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, एंड पॉइंट से कट जाना, समझ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत। एक और वीडियो भेजा है, वहां पे स्प्रेड एंगल दिखा रहा था, वो स्प्रेड एंगल देखते साथ तुझे एकदम पक्का फील आ जाएगा। अब सोच एक बात, एक मिनट एक बात सुने, अच्छा तुम लोग के पास मेरा वेव ऑप्टिक्स का नोट्स है क्या, मेरा वेव ऑप्टिक्स का नोट्स है क्या तुम्हारे पास? अगर उसमें होगा ना तो उसमें लास्ट में जाके जेई मेंस पार्ट है, उसमें पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पढ़ना,